खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात अहम खबर की, जहां सड़क हादसे में घायल हुए अभिनेत्री शबाना आजमी एमजीएम अस्पताल से कोकिलाबेन अस्पताल में किया गया रेफर। महाराष्ट्र में सड़क हादसे में घायल हुई शबाना आजमी, तो महाराष्ट्र में सड़क हादसे में घायल हुई शबाना आजमी मुंबई पुणे हाईवे पर शबाना आजमी की कार का हुआ एक्सीडेंट। शबाना आजमी की गाड़ी टकराई ट्रक से, फिलहाल शबाना आजमी की हालत खतरे से बाहर। तो सड़क हादसा हुआ है जिसमें घायल हुई अभिनेत्री शबाना आजमी, एमजीएम अस्पताल से कोकिलाबेन अस्पताल में किया गया रेफर। महाराष्ट्र में सड़क हादसे में घायल हुई शबाना आजमी। मुंबई पुणे हाईवे पर हादसा हुआ है ये, जहां शबाना आजमी की गाड़ी ट्रक से टकराई। फिलहाल शबाना आजमी की हालत खतरे से बताई जा रही है। तो प्रशंसकों के लिए और जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर यही है कि जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। सड़क हादसा हुआ जिसमें घायल हुई अभिनेत्री और धीरूभाई अंबानी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शाम के वक्त यह हादसा हुआ जहां पर घायल हो गई थी और स्थिति को देखते हुए उचित इलाज, और अब राहत भरी खबर यही है कि किसी भी खतरे से बाहर हैं। सड़क हादसा हुआ, जो शबाना आजमी की गाड़ी है वो ट्रक से टकराई और ज़बरदस्त तरीके से हादसा यह भयंकर रहा है, जहां पर गाड़ी की स्थिति को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। और फिर सड़क हादसा जिसके बाद घायल हुई और फिर कोकिलाबेन अस्पताल लाया गया जहां पर इलाज किया जा रहा है, और फिलहाल जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए आपकी क्या स्थिति हो गई थी गाड़ी की। एमजीएम अस्पताल पहले ले जाया गया, उसके बाद कोकिलाबेन अस्पताल में रेफर कराया गया। सड़क हादसा हुआ है, हालांकि राहत भरी खबर यही है कि स्थिति अभी किसी भी खतरे से बाहर है। बहरहाल देखना ये भी होगा कि क्या कुछ और कंडीशन रही है, कोई मेडिकल बुलेटिन अगर दिया जाएगा या उनकी तरफ से कुछ, जैसे कि ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, इंस्टा पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ स्थिति और बनी है।